क्वेश्चन ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन ट्वेंटी एट ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम्स ए वन मोल ऑप्शन बी 2 पॉइंट हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है के 28 में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे तो यहाँ पे हमें दिसर फर्स्ट मास ऑफ नाइट्रोजन एटम्स नाइट्रोजन एटम्स ये गिविन है ट्वेंटी so, ग्राम 28 ग्राम हमसे यहाँ पे पूछे जा रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स जब हमें मास गिवन हो उसके इसमें नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय

मोलर मास रिप्रेजेंट करता है एक मोल के मास को एक मोल कहते हैं एटम्स के केस में जितना एटम का एटमिक मास होता है अगर हम उसको उतना ही ग्राम ले लें तो उसका वन मोल बन जाता है नाइट्रोजन एटम का एटमिक मास होता है फोर्टीन यूनिफाइड मास तो उसको हमने उतना ही ग्राम पर मोल ले लिया तो ये बन गया उसका मोलर मास नाइट्रोजन का तो यहाँ पे अब हमें मोलर मास भी पता है और मास भी पता है नाइट्रोजन एटम्स का तो यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे नंबर ऑफ मोल्स ये हो जाएंगे गिवन मास है हमारा ट्वेंटी एट ग्राम डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन का मोलर मास हो गया फोर्टीन ग्राम पर मोल यहाँ पे ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा मोल ऊपर चला जाएगा और ये ट्वेंटी एट से फोर्टीन डिवाइड होगा टू टाइम्स तो ये हो जाएगा टू मोल्स तो यहाँ पे ट्वेंटी एट ग्राम नाइट्रोजन एटम्स में दो मोल्स प्रेजेंट होंगे नाइट्रोजन एटम्स के तो यहाँ पे हम एक बार अपने ऑप्शन देख लेते हैं जो हमें गिविन है तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ऑप्शन डी जो है यहाँ पे ये यह, करेक्ट आंसर है सो आई एल जस्ट कंक्लूड इट हियर नाउ द करेक्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर इज इज ऑप्शन डी ऑप्शन डी होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन थैंक यू